हेलो दोस्तों, मैं विक्रम दीवान हूं, डिजिटल टीम का हेड कंज्यूमर वॉइस का, जो नई दिल्ली में बेस्ड एक लीडिंग एनजीओ है। और मेरे साथ सुभाष तिवारी जी हैं, जो बैंकिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। वेलकम सुभाष तिवारी जी। नमस्कार सुभाष तिवारी जी, आज हम वित्त वर्ष के बारे में जो चेंजेस हुए हैं सरकार ने करे हैं सैलरीड इंडिविजुअल और इनकम टैक्स स्लैब में, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं? इस आने वाले वित्त वर्ष में फाइनेंशियल इंडिविजुअल के लिए आने वाले वित्त वर्ष में सैलरीड पर्सन के लिए जो चेंजेज खास करके है वो ये है कि जो टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं, जो पहले था उसके इस आने वाले साल में 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो ऑफिस यूज के लिए, चाहे अदर है जो ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस के लिए आप यूज करते हैं, उसमें 40,000 रुपये था पहले, जो अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? इसमें आपको जैसे इंटरेस्ट जो आप बैंक में एफडी करते हैं या आरडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं, उस पर जो ब्याज आपको मिलता है, पहले ये था कि 10,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड था, जिस पे छूट था आपको, अब ये आपको 40,000 रुपये तक कर दिया गया है। मतलब कि आपको अगले आने वाले वित्त वर्ष में 40,000 रुपये इनकम यदि होते हैं ब्याज से, तो वो आपको टैक्स नहीं पे करने हैं। और ये सेक्शन 194A क्या है? अभी 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 मैं उसी के बारे में बात किया, वो इंटरेस्ट ऑन एफडी पे होता है, वो जो ब्याज लगता है ब्याज से जो हमें रिटर्न आता है। इसके बाद इसमें चेंजेज है हाउस टैक्स एग्जम्पशन है जी। इसमें पहले क्या था कि पहले एक ही घर एग्जम्प्टेड था, लेकिन आने वाले वित्त वर्ष में दो रेजिडेंशियल यदि आप रहने के लिए यूज के लिए लिए हैं, तो वो आपको एग्जम्प्टेड है टैक्स से। और कैपिटल गेन टैक्स यदि प्रॉपर्टी पे आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे हो रहा है, तो दो घर के प्रॉपर्टी पे जो भी गेन हो रहा है वो टैक्स फ्री होगा। और सबसे खास बात है ग्रेजुएटी लिमिट जो है एम्प्लॉई के लिए, जो सैलरीड पर्सन है, उसकी लिमिट 10 लाख से 20 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो ये सबसे बड़ा रिबेट लोगों को मिल रहा है ग्रेजुएटी के ऊपर में। सो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, आपसे बहुत करके, और बहुत अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि हमारे कंज्यूमर्स को इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियोस देखते रहिए ऐसी जानकारी के लिए।